मैं घटना बता रहा हूं उदयपुर की, लाइव कर रहा हूं सीधी घटना। हमारे घर में जाना हुआ, एक ही घर में अच्छा खासा विशाल महल नुमा अमीर घर, एक ही घर में दो परिवार रहते थे, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। जो श्वेतांबर था उनकी जाति थी छाजेड़, और जो दिगंबर थे नाम भी याद आ गया, मोहनजी नागदा। अभी एक वर्ष पहले उनका देह विलय हुआ, उदयपुर के टॉप 10 में रहे वो। बात मैं तब की बता रहा हूं जब हम उनके घर गए, उन्होंने हमारा बड़ा प्रवचन का आयोजन किया। उनके घर में दो बेडरूम थे, खूब सारे बेडरूम पर दो बेडरूम। पता लगा एक में छाजेड़ रह रहा है, एक में नागदा रह रहा है, तो हम चौंके। हमने कहा भाई ये दो परिवार, एक श्वेतांबर परिवार एक दिगंबर परिवार, और आप इतने अमीर हैं, आप एक ही घर में, क्या हमारा किचन भी एक है, क्या हमारे सारे बच्चे भी यहीं रहते हैं, बच्चों की बहुएं भी यहीं रहते हैं, हम एक साथ रहते हैं, अब इसका राज क्या हुआ। मिस्टर नागदा दिगंबर समाज के युवक थे, बचपन में गरीब घर में पैदा हुए, हैसियत नहीं थी कि पढ़ लिख ले, पर उनके मन में एक तमन्ना थी कि मैं पढ़ लिखकर सीए बन जाऊं। क्या बन जाऊं? पढ़ लिखकर सीए पास कर लूं। एक दिन उन्होंने अपने दोस्त जो छाजेड़ थे जाति से, अभी भी हैं, उन्होंने उससे कहा कि भैया हो सकता है वो लाइव हमें सुन रहे होंगे, अभी वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो हो सकता है जब मैं बोल रहा हूं तो वो सुन भी रहे होंगे। तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा भैया मुझे पता है तेरी हैसियत नहीं है, तू भी मेरी तरह है, पर पता नहीं मेरे मन में बार बार आता है मैं सीए पढ़ लूं, मैं सीए पढ़ लूं, पर मेरे पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं है। जिंदगी में वक्त तो किसी का भी ऊंचा नीचा होता है ना, और अपन सब लोगों ने सारे तरह के वक्त देखे हैं जिंदगी में, अपन सब लोगों ने सारे तरह के वक्त देखे हैं जिंदगी में। मेरी एक इच्छा है, अगर तू थोड़े से रुपये की व्यवस्था कर दे, मैं अहमदाबाद चला जाऊं उदयपुर से, और वहां पर जाकर सीए पास करके आ जाऊं, सीए की पढ़ाई मैं पास कर लूंगा, मन लगाकर पढ़ूंगा, बस मेरे लिए 1,000-1,500 रुपया। उस समय 1,000-1,500 में सीए पास हो जाती थी, अब तो 1,000-1,500 में प्रेप से भी बच्चा नहीं निकल पाता। उस समय में जितने रुपये में लोग सीए करते थे, इतने में तो अब केजी में भी नहीं आते हैं बच्चे। तो मुझे पता है तेरी हैसियत नहीं है, तेरी भी मेरी हालत है, पर देखना कहीं से कोई व्यवस्था हो जाए। तो दोस्त था, गया अपने घर, बात ही बात में, ध्यान से सुनना घटना को, किसे कैसे हैं दोस्त। बात ही बात में वो अपने घर गया, मौका देखकर पत्नी से अलमारी की चाबी ली, और उसके ससुराल से एक सोने की चैन आई हुई थी वो उसने निकाली, और निकालकर चुपके से जेब में डाली। शाम को घर से बाहर निकला और ले जाकर मिस्टर नागदा को वो सोने की चैन जो उसके ससुराल से आई थी वो पकड़ा थी। उसने कहा ये क्या, कि बस मैं कह रहा हूं ना, तू इसे लेकर अहमदाबाद जा, इसे बेच देना और इससे अपनी पढ़ाई सीए करके आ जाना। नागदा ने 5 बार मना किया, मोहन नागदा ने 5 बार मना किया, भैया मैं नहीं जाऊंगा, तेरी सोने की चैन बेचकर मैं पढ़ूं, पर उसने अपनी सौगंध दल दोस्त की, तुझे मेरी सौगंध, तू जा और एक बार सीए पास करके आ जा बस। अरे तू सीए पास कर लेगा तो फिर तेरे सोने की चैनों की लाइन लग जाएगी। सोने की चैन बेच दी गई, वो नागदा अहमदाबाद चला गया पढ़ाई करने के लिए, किताबें खरीदी उस रुपये से, फीस भरी उस रुपये से। इधर वो अहमदाबाद चला गया, कुछ दिन बीते, पत्नी ने किसी काम के लिए अलमारी खोली होगी, जिनके घर में बहुत सारे गहने होते हैं उनको तो पता नहीं लगता एक दो गहना इधर उधर गया। अब जिनके घर में केवल दो ही सोने की चैन, एक पति की और एक पत्नी की, और केवल एक ही अंगूठी पियर से आई, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं, तो 2 मिनट में ताला खोलती है पता लग जाता है चैन कहां गई। तो उन्होंने पहले देखा अलमारी में चैन गायब, चैन कहां गई, चैन कहां गई। उन्होंने अपने पति से कहा भाई मेरी मम्मी की दी हुई चैन थी ना, वो आपके कहां गई वो चैन। पति ने पहले तो 2 मिनट किया, पर उसे लगा कि सच बताना ठीक है, नहीं तो और बात गलत हो जाएगी। उसने कहा मुझे माफ कर देना, मेरा दोस्त है ना मोहन, मैंने उसके पढ़ाई के लिए ये सीए पास करने का उसका मन हो गया, मैंने वो चैन भेज दी। पत्नी ने झट से अपने गले की चैन निकाली और निकाल कर कहा ये भी ले जाओ और अपने दोस्त को दे देना, उसको पढ़ा लिखा कर तैयार कर, कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं सोने की चैन पहनूं या ना पहनूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चैन भी उसको दे देना। पत्नी ने चैन दे दी, पति ने वो भी ले ली, उसके भी रुपये बुना कर अहमदाबाद भेज दिए।
घटना में आगे बताता हूं, किसे कहते हैं कृष्ण और सुदामा की कलयुग की दोस्ती। सरतिया उनके बच्चे मेरी बात अभी सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, पर मैं बता रहा हूं फिर भी, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती किसे कहते हैं। ये उदयपुर का नामजद परिवार की घटना मैं बता रहा हूं। और तब वो सीए पास करके व्यक्ति उदयपुर आ गया, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, कई कई बड़ी बड़ी कंपनियां उसकी खुल गई, कई कई कंपनियों की एजेंसियां उसके हाथ लगी, कई बड़ी बड़ी कारों की एजेंसियां उसके हाथ लगी। बढ़ते बढ़ते वो उदयपुर के टॉप 10 में पहुंच गया। खास बात ये नहीं है कि मोहन नागदा टॉप 10 में पहुंच गया, पर उस मोहन नागदा ने खास बात ये की, जिस उसके दोस्त और उसकी पत्नी ने उसके लिए 2 चैन बेची थी, उसने केवल एक काम ये किया कि जिस दिन वो अरबपति बन गया, उसने पहला काम किया अपने दोस्त और वो बच्चों को भी अरबपति बना के खड़ा कर दिया। और न केवल अरबपति बना दिया, हम आंखों से देख कर आए, दुनिया में ऐसी मिसाल कहीं नहीं होगी कि शादी के 40 साल के बाद भी, 45 साल के बाद भी दोनों दोस्त एक घर में रहते हैं, एक घर में एक चूल्हा एक चौका, दोनों के बगल बगल में बेडरूम, और यहां तक इतना ही नहीं, उनके बच्चे भी सारे के सारे उसी बिल्डिंग में रहते हैं। इधर इस वाले दोस्त का बच्चे का बेडरूम, उधर उस वाले दोस्त का, और जब भी बात चलती यही कहते हैं, हम 9 भाई बहन हैं। क्या कहते हैं? हम 9 भाई बहन हैं। और जब हम उनके घर गए ना, तो उनका जो कार्यक्रम, उन्होंने भी ऐसा बड़ा कार्यक्रम किया, अमीर परिवार था, तो उनका जो कार्ड छपा हुआ था, उस मोहन नागदा में हमारे कार्यक्रम के कार्ड में अपने दोस्त का नाम ऊपर डाला था, खुद का नाम नीचे डाला था। और जब हम घर पर गए और उनकी दोस्ती की सारी बातें सुनी, तो हमारे मन में आया, इसे कहते हैं दोस्ती की मिसाल। आज भी, और इतना ही नहीं, मोहन नागदा का जब कैंसर होने के बाद शरीर छूटने लगा, तो मरने से पहले, अपने देह विलय से पहले, शायद देश के बड़े से बड़े संत जितने भी रहे होंगे दिगंबर समाज के, हर संत मोहन नागदा को जरूर जानता है, वो इतना प्रभावी व्यक्ति रहा। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो रही थी, तो मृत्यु के पहले बच्चों ने इतना ही पूछा, पापा आपकी कोई इच्छा? तो मरते समय उस पापा ने यही कहा, बेटा मेरा दोस्त और उसका परिवार, हमेशा तुम लोग साथ रहना, कभी भी जुदा मत। अगर मेरी अंतिम इच्छा पूछना चाहते हो तो कभी भी जुदा मत होना। हाँ मेरे भाई, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? दोस्त। और अगर ऐसे दोस्त जिंदगी में मिल जाए ना, जो वक्त और बेवक्त, बुरे वक्त में और अच्छे वक्त में, ये मोबाइलों के दोस्त हो रहे हैं ना मच्छरों की तरह इकट्ठे, इनके इकट्ठे करने का कोई मतलब नहीं है। जो मोबाइल फेसबुक और व्हाट्सएप से दोस्त इकट्ठे किए जा रहे हैं, हम पहचान बढ़ाए जा रहे हैं, इन पहचानों का कोई मतलब नहीं है। जिंदगी जियो ऐसों के साथ जिनके साथ जीवन जीने का आनंद आ जाए। और हाँ,